ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण राधे राधे, जय गुरुदेव तन गुरुदेव। भागवत का स्कंद आठवां 22वां अध्याय। बावन जी ने राजा बलि को सुतर लोगों का राज देना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब बावन ने तीसरा पैर जमीन मंगी, तब बावन जी के सामने बलि जो नीचे सिर किए खड़ा था, मारे डर के कुछ नहीं बोला। तब फिर बावन ने डांट कर कहा कि हे बलि, जेकर तू तीसरा पैर जमीन नहीं दे सकता तो बात क्यों कही कि हम देवेंगे। अगर नहीं दे सकते तो यही बात कहो कि हम ना देवेंगे। ये सुनकर राजा बलि ने हाथ जोड़कर विनय की कि हे त्रिलोकीनाथ, मैं अधर्मी नहीं हूं जो मैं अपना वचन छोड़ूं। तब बावन बोले कि पहले तेने अहंकार में ये बात कही थी, जो कुछ मुझसे मांगो सो मैं दूंगा। ब्राह्मणों के समान तीन पग पृथ्वी क्या मांगते हो, सो अब तू तीन पग जमीन नहीं दे सका। राजा बलि बावन जी के तेज और डर से यह नहीं कह सका कि दान मांगने के समय स्वरूप आपका छोटा था और चरण बढ़ता जाता है, किस तरह देवें। तब थोड़ी देर तक राजा बलि ने कुछ उत्तर ना दिया। तब बावन भगवान ने क्रोध करके गरुड़ से कहा, राजा बलि को बांधो तो तीसरा पग भूमि देंगे। जब गरुड़ जी ने बलि को बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया, तब वो लोग वहां थे, उन्होंने आश्चर्य मानकर कहा, देखो राजा बलि ने सब राज तन अपना बावन जी को दे दिया, इस पर भी उन्होंने उसको बांधा है, ये बात अच्छी नहीं करी। ये सुनकर नारद और संत कुमार जी बोले, ए बावन भगवान दया की राह राजा बलि की परीक्षा लेते हैं कि ये अपने धर्म पर सच्चा है या नहीं। जब फिर बावन जी ने एक पग भूमि तीन बेर मांग कर कहा, हे बलि, तू इंद्र से ऊपर रहने के वास्ते चाहना रखता था, तो शुक्राचार्य गुरु के श्राप से तुझे नीचे नरक में जाना पड़ेगा। तब राजा बलि हाथ जोड़कर बोला, हे वैकुंठनाथ, मैं अपने वचन से नहीं फिरता, दंडवत करता हूं जो आप चरण मेरे मस्तक पर रखकर शरीर मेरा पृथ्वी के बदले माप लीजिए। कदाचित आप ये कहो कि 14 लोग तेरा राज दो पग में ठहरा, केवल तेरा अंग एक पग के बराबर नहीं हो सकता। सो आप देखिए, जिस तरह मनुष्य को सब अंगों के बराबर ना होने पर नाक छोटा होने पर भी बड़ी पदवी रखता है, उसी तरह ये शरीर मेरा मालक सब चीज का था, तीन लोक का मालक हो, एक पग भूमि से अधिक फल रखता है। हे जगतपाल, तुम्हारा नाम लेने से मनुष्य नरकों को नहीं जाता। जब आप साक्षात ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं, तब मैं किस तरह नरक जाऊंगा। दर्शन करने से संसार में मेरी कीरत अधिक होगी। जिस तरह आप हरि भक्तों पर दयाल होकर उनको माड़े कामों से बचावते हो, उसी तरह प्रहलाद अपने भगत की कुल में जानकर अहंकार जो मेरा राज और तन और संतान और बल के मद में अंधा हो रहा था, तो आपने तोड़ दिया और कृपा दया से अपने चरण जहां लाकर गुरु के समान उपदेश कर मुझे कृतार्थ किया। कदाचित आज मैं लोभ बस अपना दान तुम्हें ना देता तो मरती समय में किसी साथ नहीं जाना था। संसार में अपजस हो मेरा होता और जे भी मेरा अज्ञान है जो अपने को दान देने वाला समझता हूं, क्योंकि ये सब लक्ष्मी और पृथ्वी सब आपकी है। बिना कृपा तुम्हारी किसी को कुछ नहीं मिल सकता। हे परीक्षित, जिस समय बलि ये बात बावन भगवान से कह रहा था,
उसी समय प्रहलाद भगत काश से उतरे और बावन जी को दंडवत करके हाथ जोड़ करके कहा, हे त्रिलोकी नाथ, आपने बड़ी कृपा की जो बलि से तीन पैग पृथ्वी दान ली, नहीं तो आप त्रिलोकी के मालक, आपको किसी से मांगने का क्या प्रयोजन है? राजा बन जो कुछ तुम्हारा दिया अपने पास रखता था, सो सब कुछ उसने आपके अर्पण किया, अब सिवाय शरीर की और कोई वस्तु उसके पास नहीं है, सो आप दया करके इसे अपना सेवक भगत जानकर छोड़ दीजिए। जोर विंध्यावली स्त्री राजा बलि की हाथ जोड़कर खड़ी बोली, हे दीनानाथ, आपने अच्छा न्याय किया है जो इसे बांध कर दंड दिया, किस वास्ते जो सब वस्तु संसार में तुम्हारी है, तीनों लोगों की रचना केवल खेल वास्ते करते हैं, इसलिए राजा बलि को अहंकार से एक बात कहना उचित नहीं था कि जो कुछ तुम मांगोगे मैं दे दूंगा। उसी समय ब्रह्मा ने भी वहां आनकर पावन भगवान को दंडवत करके बिना की हे धर्म परम परमेश्वर, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, राजा बलि ने शुभ कर्म करने से जो धन राज पाया था, सो आपको देख कर जुगों का पुण्य भी तुम्हारे अर्पण किया, अपने धर्म से ना फिरा, बांधने पर भी कुछ विवाद विखाद नहीं किया, आप शरीर अपना शरीर भी तुम्हें भेंट देता हूँ, फिर उसे बांध कर रखना कौन न्याय करते हो? जब आप दीनानाथ होकर ऐसा करोगे तब फिर तुम्हारी शरण कौन आएगा? जो मनुष्य आपको एक पत्ता तुलसी दल का या फल पुष्प का जल चढ़ाकर गुगल आदि सुगंध से तुम्हारे नाम पर अग्नि से बलि देता है, आप उसको अपना भगत जानकर संसारी महाजाल में से छुड़ाकर भव सागर पार कर देते हो। सो राजा बलि ने सब तन तन अपना तुम्हारे अर्पण किया, फिर इसको छुट्टी क्यों नहीं देते? जब प्रहलाद भगत विंध्यावली और ब्रह्मा ने इस तरह बावन जी से विनय की, तब वैकुंठनाथ बोले, मैंने अपनी कृपा दया से राजा बलि की परीक्षा लेके उसका अहंकार तोड़या, और तुम लोग इस बात का विश्वास मत जानो, जिस पर मेरी कृपा होती है उससे इतनी वस्तु छीन लेता हूँ, एक जाति अभिमान, दूसरा तन तीर, तीसरी विद्या, चौथा गर्व, इस बात का कि जन्म भर में उसने जो शुभ कर्मादिक दिया है उसे याद ना रखे, और अपने बराबर किसी दूसरे को ना समझकर लोगों के सामने कहे कि ये शुभ कर्म मैंने किया, सुनो राजा बलि का धन और राज सदा थिर नहीं रहना, और कीरत इसकी महाप्रलय तक बनी रहेगी। इसके उपरांत आठवां मन्वंतर जो आवेगा, उसमें राजा इंद्र का राज हम बल को देवेंगे, मेरे भगत लोग किसी बात का अहंकार नहीं करते, ये कहने उपरांत बावन जी ने चरण अपना राजा बल के सिर पर तरके कहा, अब तीसरा पग पृथ्वी का पूरा हुआ। तब बलि ने बेनती कर कहा, महाराज, आपदा नाम भगत बच्छल है, इसलिए आपने मुझे अपना दास जानकर मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण की है। ये बात सुनकर बावन भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तू उदास मत हो, मैंने राज सुतल लोक दा जो पताल में है तुम्हें दिया, उसी जगह तू अपने परिवार समेत जाके आनंद पूर्वक वास कर, वहां मैं भी बावन रूप में सदा तेरे द्वार पर रहकर रक्षा करूंगा, आज से तेरी बुद्धि दैत्यों के समान नहीं होवेगी। 22वां अध्याय समाप्तम। जय गुरुदेव, तन गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।